जैसा कि कल हम लोग एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। जो क्वेश्चन हमारे बुक के लिहाज से इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मौजूद है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। क्या बोल रहा है, पाई को डिफाइन किया जा रहा है, रेशियो किसका, सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का और उसका जो डायमीटर होता है उसको रेशियो के रूप में क्या किया जा रहा है, डिफाइन किया जा रहा है। दैट इज पाई इक्वल सी बाय डी, इस फॉर्म में इसको डिफाइन किया जा रहा है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर, जो ये बताता है कि जो हम लोग जो पढ़े थे पाई इरेशनल नंबर होता है उसका कंट्राडिक्शन है। हाउ विल यू रिसॉल्व द कंट्राडिक्शन, आप जो है इस कंट्राडिक्शन को कैसे रिसॉल्व कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझते हैं। चूंकि सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा तो हमें पता है सर्कमफ्रेंस जो होता है किसमें होता है, सर्कल में होता है। इसके लिए हम लोग एक सर्कल को क्या किए, ड्रॉ कर लिए। हम जानते हैं सर्कल का ठीक बीच में क्या होता है, इसका सेंटर होता है, और सेंटर से जो इसका सर्कल का जो ये आउटर पोस्ट का जो टच पॉइंट होता है ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है, ठीक है। और चूंकि सर्कमफ्रेंस की बात कर रहा तो सर्कमफ्रेंस को हम लोग सी से डोट करते हैं, और सर्कमफ्रेंस के बारे में जानते हैं सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का वो क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखिए चूंकि क्या कर रहा है, पाई को सेपरेट कर रहा, तो पाई को सेपरेट करके बाद इधर ले आते हैं, पाई को इधर रहने देते हैं, 2 और r दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो इसको इस साइड बैठते हैं, तो वो क्या होगा, सी बाई क्या होगा, 2r होगा। अब एक बात को और समझते हैं, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है आर कहलाता है, उसी तरह सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, और ये जो टोटल जो डिस्टेंस होता है वो मेरा क्या कहलाता है, डी कहलाता है। डी मतलब डायमीटर, और डायमीटर के बारे में वी नो दैट, डायमीटर के बारे में हम लोग जनरली एक चीज जानते हैं, डायमीटर जो होता है वो कहता है रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ तक r और यहाँ से यहाँ r, तो r प्लस r इक्वल्स टू क्या है, 2r, और टोटल डिस्टेंस मेरा क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, इसलिए d बराबर क्या होता है, 2r। अब यहाँ 2r के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2r के जगह पे d लिख सकते हैं, यही फॉर्म में हमें क्या बोल रहा था, रिप्रेजेंट करने के लिए, तो जो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और हम देख रहे हैं ये क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, और हम जानते हैं कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और नीचे क्या हो, जीरो नहीं हो, तो मेरा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल रहा है, पाई क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमें ऐसा पता चल रहा है कि पाई क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। लेकिन हम लोग एक चीज पढ़े हुए, बट ये हमारा क्या है, कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब भी ये बात बोलेगा, सर पहले तो हम लोग यही जान रहे हैं पाई रैशनल नंबर, लेकिन इस सिचुएशन के अनुसार ऐसा आ रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग इतना जानते हैं, बट इट कंट्राडिक्ट ये कंट्राडिक्ट कर रहा है द फैक्ट पाई इज रैशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। ये जो हमारा फैक्ट है जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, शुरू से जो पढ़ते आ रहे हैं, पाई इज क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और इस इरेशनल नंबर का ये क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट मतलब हम जानते कुछ और यहाँ कुछ और आया, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंट्राडिक्ट कहते हैं। तो चूंकि हम यहाँ देख रहे हैं इस सिचुएशन का आधार पर पाई क्या हो रहा है, मेरा रैशनल नंबर हो, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, पाई इरेशनल होता है। डेट मीन्स ये कंट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारा सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। कौन सा सपोजिशन, पाई को रैशनल नंबर मानना क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि पाई के बारे में सी और डी का हम लोग एग्जैक्ट डाटा के बारे में नहीं बोल सकते। ये तो एक सी और डी एक कोई वैल्यू होगा, और उस वैल्यू का जरूरी नहीं है कि इन दोनों वैल्यू का जो मान हो वो क्या हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में। और सर शुरू से हम जानते आ रहे हैं कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसलिए हमारा मानना जो ये क्या है कि पाई जो है इरेशनल नंबर होगा वो गलत होगा, और इसलिए क्या होगा, पाई जो है मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि शुरू से हम लोग यही चीज पढ़ते आ रहे हैं
और इसका बहुत जगह इफेक्ट को देख चुके। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बस इतना ही करना था। और इसी तरह क्वेश्चन के आधार पे जो भी इरेशनल नंबर होता है ठीक है ना, उसको प्रूव किया, जैसे रूट टू इरेशनल नंबर है, रूट थ्री इरेशनल नंबर, जब आप क्लास टेंथ में जाएंगे तो इसी फैक्ट पे क्या होता है, एक बार हम लोग सब कुछ कर लेते हैं ये हमारा रैशनल नंबर है, और बाद में जानते हैं वो इरेशनल नंबर के फैक्ट को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो बाद में हम लोग बोलते हैं हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है, इसलिए रूट टू रूट थ्री या जिसे प्रूव करना वो मेरा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हम लोग इससे पहले रैशनल नंबर डेट मीन्स 1 हो 2 हो ठीक है, डेट मीन्स नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो चाहे रैशनल नंबर हो, उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके। अब क्या आ रहा है ना कि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने दे रहा है, और इरेशनल में भी कैसा दे रहा है, जो डिसिमल फॉर्म में। तो इससे पहले हम लोग इरेशनल नंबर जैसे रूट टू को रिप्रेजेंट करना सीखे थे, रूट थ्री को रिप्रेजेंट करना सीखे थे, लेकिन अब हमें इसको प्रूव करना तो रूट 9.3 करना। तो ये पहले जो हम लोग प्रोसेस सीखे थे उससे थोड़ा हटकर है, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा आसान। इसे हालांकि हम अभी क्या कर रहे हैं, बोर्ड के माध्यम से ही समझा रहे हैं। यदि आप लोग को समझने में दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा, फिर मैं कॉपी के माध्यम से भी इसे प्रूव कर दूंगा। सबसे पहले ध्यान रखिए करना क्या है, रूट 9.3 को इंडिकेट करना है। तो वैल्यू क्या है 9.3, सबसे पहले क्या करना है, स्केल की मदद से 9.3 का क्या करना, एक लाइन ड्रॉ करना। अब इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी। अब बी से क्या करना, 1 सेंटीमीटर आगे बनाना है, कितना 1 सेंटीमीटर, ये भी क्या है सेंटीमीटर में ही ले लिए, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए सी। अब ये जो टोटल लाइन बना ए से सी, इसको बाइसेक्ट करना है, और डेट मीन्स बाइसेक्ट करने का मतलब होता है टोटल वैल्यू जो है उससे आधा लेना। ये कितना 9.3 और ये है 1, 9.3 और 1 जोड़ेंगे तो 10.3 होगा, और 10.3 का आप जब हाफ कीजिएगा, डेट मीन्स आप जब 10.3 का हाफ सोचेगा तो समथिंग ये 1.15 आएगा। तो डेट मीन्स ये क्या है, डिसिमल में ना लेके हम लोग क्या करेंगे, इससे भरा लेंगे, तो एक तरह से समझ लेंगे स्केल पे क्या करेंगे 6, डेट मीन्स स्केल पे एक तरफ पेंसिल रखेंगे और एक तरफ नोकिला पार्ट रखेंगे 6 पे, डेट मीन्स 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेंगे, इसको ऊपर रख के यहाँ कहीं काटेंगे, उसी तरफ फिर नीचे ले जाएंगे तो वो कहीं कटेगा, अब इस छोर पे रखेंगे तो यहाँ भी कटेगा और क्या होगा नीचे भी कटेगा। अब इसको क्या करना है, डॉटेड लाइन से मिला देना है, किस लाइन से मिलाएंगे, मेरा टेढ़ा बनेगा आप लोग को सीधा बना। डॉटेड लाइन से मिलाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे नोकला पार्ट को रखना है, यहाँ पेंसिल को रखना, और इससे क्या करना, एक सेमी सर्कल का निर्माण करना, और इस तरह से जब देखोगे तो क्या होगा, एक सेमी सर्कल बनेगा। इसके बाद करना क्या, जहाँ पे मेरा पॉइंट बी है यहाँ पे क्या करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर ड्रॉ के लिए बोले तो एक आर्क खींचेंगे, यहाँ रख के फर्स्ट कट फिर सेकंड कट, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ कटेगा और इससे फिर यहाँ कटेगा। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, जब ये ऊपर की ले जाएंगे तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसे टच करेगा, और यही जो लाइन बनता है यही मेरा क्या देगा, रूट 9.3 का वैल्यू देगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये रूट 9.3 तो आ गया, अब इसे हमें क्या करना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा। अब देखिए इसका प्रोविजन कैसे करते हैं, इस वैल्यू का नाम रख लीजिए, मान लीजिए ये तो सेंटर हो गया, ठीक ठीक, इसको यहाँ से हम मिला देते हैं, ठीक है, ए बी सी है, इसको डी दे देते हैं नाम, इसको दे देते हैं ई। इसके लिए सबसे पहले क्या करना, ये जो पहला 9.3 है, लेट ए बी को क्या मान लेते हैं मेरा क्या है, एक्स, कोई दिक्कत, ये ए से बी क्या है, एक्स है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इस ट्रायंगल में जेनरल लेना, ट्रायंगल में आएंगे हम लोग इन ट्रायंगल, क्योंकि हम जानते हैं जब भी प्रूफ करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा ही प्रूफ करेंगे। तो इन ट्रायंगल डी बी ई, डी बी ई में बात करें तो डी बी और ई में बात करें, यदि डी बी की बात करें तो डी बी मेरा क्या होगा, ध्यान टोटल क्या है मेरा, मान लीजिए ये मेरा एक्स है, टोटल की बात करें, ठीक है, सपोज करें ए सी के बारे में बात करें, यहां से यहां क्या है एक्स, सॉरी यहां से यहां क्या है एक्स, तो ये क्या होगा 1, तो डेट मीन्स ये क्या होगा ए बी प्लस बी सी, और ए बी का हम लोग क्या माने एक्स, और बी सी का क्या माने 1, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स यहां से यहां मेरा टोटल बात करें तो ये हम सपोज किए यहां से यहां का जो वैल्यू है मेरा, यहां से यहां का वैल्यू मेरा क्या है, सपोज कर रहे एक्स, किस में प्रूफ करने में, तो डेट मीन्स ये मेरा क्या होगा, टोटल वैल्यू की बात करेंगे, यहां से
टोटल वैल्यू बात करेंगे सी तक, तो ये क्या होगा मेरा, ये ए से सी का डिस्टेंस बात करेंगे तो मेरा क्या होगा, एक्स प्लस वन होगा, और ए से बी का डिस्टेंस बात करेंगे तो एक्स होगा। अब देखिए मेरा सेमी सर्कल है तो ये क्या होगा, सेंटर का काम करेगा। जब सेंटर के काम करेगा तो मेरा सी डी जो होगा, सी डी क्या होगा, रेडियस का काम करेगा। उसी तरह ए डी भी क्या होगा, रेडियस काम करेगा, और डी ई भी क्या करेगा, रेडियस काम करेगा। डेट मीन सी डी बराबर होगा किसका, सॉरी सी डी बराबर हुआ किसका, ए डी का, और ए डी बराबर हुआ किसका, ए डी का। और बराबर क्यों हुआ कि सब क्या है मेरा रेडियस है, तो इसको फुल फॉर्म में लिख देते हैं, ये क्या है रेडियस है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से आउटर मोस्ट सरफेस को जो टच करते हैं, ये भी रेडियस और ये भी क्या है रेडियस। अब इसका लेंथ की बात करें, किसकी लेंथ की बात करें, तो टोटल लेंथ मेरा कितना है, एक्स प्लस वन है। यदि टोटल की बात करें, टोटल क्या है, ए सी है, और ए डी की बात करें तो ए डी का वैल्यू मेरा क्या होगा, ए डी क्या होगा, टोटल का क्या है, हाफ है। डैट मीन्स क्या होगा, ए डी बराबर क्या होगा, ए सी बाय टू, ए सी बाय टू, क्योंकि ये क्या है टोटली बीच पॉइंट पर लाइकर, और ए सी के बारे में जानते हैं, ए सी मेरा क्या है एक्स प्लस वन, तो ये क्या होगा डिवाइड बाय टू। ठीक है, डैट मीन्स ए डी का वैल्यू, सी डी का वैल्यू, ए डी सबका वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाय टू हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना है, हम लोग ट्रायंगल में डी बी ई में तीनों साइड की बात करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसकी बात करें किसका, एडी का, एडी का बात करें तो एडी भी मेरा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाय क्या होगा, टू ही होगा। अब बात करते हैं किसका, इसका, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री बन रहा था क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। अब बात करते हैं बी डी का, तो बी डी के बारे में सोचना, बी डी के बारे में पहले सोचिए, तो ए बी का बात करें, यदि बी डी की बात करें, यदि ए बी में से हम लोग बी डी को, सॉरी ए बी में से यदि हम लोग ए डी को घटा दें, टोटल में से यदि इस पोर्शन को घटा दे तो ये पोर्शन बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास ए बी का वैल्यू दिया हुआ है कहीं पे, ए बी का वैल्यू दे रहा है कितना एक्स, और ए डी का वैल्यू कितना दे रहा है, ए डी, ए डी का वैल्यू हम लोग निकाले हुए भी जस्ट कितना, एक्स प्लस वन बाई टू। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2, क्योंकि यहाँ एलसीएम 1 होगा, तो ये होगा 2x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 1, 2x में से x जाएगा x माइनस 1 बाई 2, कोई दिक्कत? अब देखिए चूंकि हमको क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है, क्योंकि यही मेरा क्या कर रहा है 90 डिग्री है, तो ये मेरा क्या होगा h, ये क्या होगा मेरा b, और ये क्या होगा p बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस हम लोग क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एच की बात करें तो एच मेरा क्या है, डी ई है, पी, पी की बात करें तो मेरा क्या है, बी ई का स्क्वायर, और प्लस बी की बात करें तो क्या है, बी डी का स्क्वायर। अब देखिए डी ई मेरा क्या है, डी ई बोलिए, ई डी बोलिए, इसी को डी ई कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, डी ई। अब डी ई की बात करें तो उसका वैल्यू दे रहा है एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। बी ई, बी ई का वैल्यू तुमको फाइंड आउट ही करना है, और बी डी की बात करें तो बी डी का मान लिख लेता है एक्स माइनस वन बटे टू का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बाई क्या होगा, टू, सॉरी टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ये क्या होगा बी का स्क्वायर, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाय क्या होगा, फोर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी, और प्लस क्या होता है बी का स्क्वायर बाय क्या होगा, फोर। उसको इधर ले आते हैं, क्या आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा तो क्या होगा, उसको भी सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, और प्लस क्या होगा बी डिवाइड बाई फोर इक्वल्स टू क्या होगा बी ई का स्क्वायर। इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़े। अब देखिए एलसीएम क्या है, फोर, तो फोर होगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, चूंकि माइनस है, माइनस है तो पहला माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एक्स, और ये तो देखिए ये क्या होगा एक्स स्क्वायर क्या होगा कट जाएगा। उसी तरह ये वन और ये वन क्या होगा कट जाएगा। आगे क्या होगा, आगे और सॉल्व की,
अब देखिए क्या बच गया, 2x प्लस में तो 2x और 2x क्या होता है 4x बाय 4, इधर क्या था BE का स्क्वायर, तो ये 4 कट जाएगा, बराबर क्या आया BE का स्क्वायर। डेट मीन्स BE की बात करें स्क्वायर बराबर क्या है x, और BE की बात करें तो रूट अंडर क्या होगा x। x का वैल्यू हमारे पास क्या है, x का वैल्यू मेरा क्या है 9.3 है, तो BE का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 9.3, और BE मेरा क्या है यही है, यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब आगे चूंकि हम जो कंस्ट्रक्शन किए मेरा नंबर लाइन पे नहीं है, तो इसके लिए क्या करना है इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे कंपास रखेंगे, इसको नीचे की ओर ले जाएंगे, जब नीचे ले जाएगा तो नंबर लाइन पे कहीं कट करेगा, यहाँ 0 मानना है, यहाँ 1, उसी तरह 2, 3 करके आगे बढ़ेगा, तो यही जो पॉइंट होगा मेरा क्या दिखाएगा रूट 9.3 को दर्शाएगा। तो इस तरह से हम लोग रूट 9.3 को कंस्ट्रक्ट करते हैं। समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर अगले वीडियो में आपको हम कॉपी के रूप में इसे क्या करेंगे सॉल्व करके इसे दिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हम उस दिन भी जब लास्ट वीडियो में जब थ्योरी पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे 1.5 का, उनमें बताए थे कि जब भी किसी नंबर का नीचे में जब मेरा डेट मीन्स नीचे मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर, जब किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल हो डेट मीन्स रूट के फंक्शन में हो, तो उसे रूट से हटाना क्या होता है जरूरी होता है, और इसी को रूट से हटाने का जो प्रोसेस होता है उसी को रैशनलाइजिंग कहते हैं, और जब भी रैशनलाइज करते हैं हम लोग डिनोमिनेटर को कहते हैं। और उसके बारे में बताए थे कि जब नीचे में जो फंक्शन होता है जैसे सिंगल फंक्शन, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, जैसे इसकी बात करें तो ये क्या है 1/√7 है, क्योंकि सिंगल फंक्शन है तो इसको क्या करेंगे इसके न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए इस फॉर्म में आएगा, √7 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √7, और √7 को जब मल्टीप्लाई, चूंकि मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 7 होगा। तो ये क्लियर कंसेप्ट हम लोग पहले से जान रहे हैं, अब देख रहे हैं नीचे मेरा रूट का फंक्शन आ गया तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यही प्रोसेस जो होता है इसी को क्या कहते हैं रैशनलाइजिंग करना कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर विचार कर रहे हैं, 2 क्या दे रहा है 1/√7 − √6। अब यहाँ देख रहे हैं मेरे पास क्या है 2 वैल्यू है, जब भी नीचे में 2 फंक्शन आ जाए उसके बीच में कोई साइन हो, जनरली आप जब भी सॉल्व कीजिएगा 2 ही साइन आएगा, या तो यहाँ माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, तो इस कंडीशन में बताए थे इसमें करना कुछ नहीं है, जो चीज़ है उसी को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, किससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, बस अंतर इतना है कि यदि यहाँ पे क्या है माइनस है तो ये क्या होगा प्लस मिलेंगे, यदि यहाँ प्लस रहता तो इसको क्या करते हैं माइनस में लेते। अब देखिए क्या होगा, अब ये टोटल फंक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डेट मीन्स 1 को इससे भी करना होगा, 1 इससे भी करेंगे तो क्या होगा 1 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे √7 होगा, प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, अब 1 को √6 से करेंगे तो क्या होगा √6 ही होगा। अब नीचे देखिए a − b a + b, इसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे कि a − b और a + b का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है a² − b², तो यहाँ उतना बखान करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना a − b है a + b है तो क्या होगा a का स्क्वायर और माइनस क्या होगा b का स्क्वायर। तो a² के बारे में जानते हैं, ऊपर तो जो है उसमें कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं अभी। नीचे देखिए √7 का स्क्वायर, हम कल भी बताए थे स्क्वायर मतलब क्या होगा वो नंबर कितना बार मल्टीप्लाई होगा, पावर 2 है तो 2 बार होगा, और दोनों सेम नंबर है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √7 को √7 से करेंगे तो 7 होगा, माइनस है तो माइनस, इसी तरह √6 का स्क्वायर है डेट मीन्स √6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, √7 + √6 और 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 1, यदि नीचे में 1 हो तो उसे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं नीचे मेरा रूट का फंक्शन आ गया, ये हमारा क्या हो गया रैशनलाइजिंग हो गया, जो बहुत ही आसान है जो चीज़ पढ़े हैं उसी कंसेप्ट पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं फिर से 2 फंक्शन है और ये प्लस के फॉर्म में, तो इसको भी क्या करेंगे सेम उसी तरह लिखेंगे, बस क्या करेंगे प्लस है तो साइन चेंज कर देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को √5 से करेंगे तो क्या होगा √5, माइनस है तो माइनस, और 1 को फिर √2 से करेंगे तो √2 होगा। फिर से देखिए a + b a - b फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर
और माइनस बी का स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसका पहला टर्म जो होता है ए होता है और सेकंड टर्म बी होता है, और बाद बाकी ये तो पता ही कि यहाँ जो है वहाँ होना चाहिए, यहाँ जो है वहाँ होना चाहिए, और दोनों के बीच में प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए। ऊपर तो पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, रूट फाइव का स्क्वायर मतलब रूट फाइव को रूट फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव आएगा, रूट टू का स्क्वायर मतलब रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा टू। अब देखिए रूट फाइव माइनस क्या आ गया रूट टू, और फाइव में से टू जाएगा तो क्या आएगा थ्री। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, और नीचे मेरा देख रहे हैं रूट का फंक्शन हट गया है तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से क्या करते हैं रैशनलाइजिंग करते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन रह गया, उसको इस साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है आराम से देखना है, वन बाय रूट सेवन माइनस क्या दे रहा है टू। तो करना कुछ नहीं है, रूट सेवन माइनस टू को इसी तरह लिखना है, बस क्या करना है साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे प्लस कर देंगे, बाद बाकी जो नंबर सेम उसी तरह साइन को चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। वन को जब रूट सेवन से करेंगे तो क्या होगा रूट सेवन प्लस है तो प्लस आएगा, और वन को टू से करेंगे तो क्या होगा टू। अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होता है a का स्क्वायर और माइनस क्या होगा b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए रूट्स ऊपर तो काम कर चुके हैं हम लोग, नीचे रूट सेवन का स्क्वायर डेट मीन्स रूट सेवन को रूट सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सेवन, माइनस टू का स्क्वायर है और टू को जब टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समझ लेना रूट टू है, जब रूट टू को रूट टू से करते हैं तो टू होता है, लेकिन टू का स्क्वायर जब टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा फोर। ये देखिए क्या है रूट सेवन बाई टू और नीचे क्या होगा सेवन में से फोर जाएगा थ्री। तो यहाँ भी देख रहे हैं नीचे मेरा रूट का फंक्शन हट गया। जनरली हम आपको कंसेप्ट सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि डेट मीन्स हमारे रैशनलाइज करने का मेन उद्देश्य ये होता है कि डिनोमिनेटर में से रूट का फंक्शन को सबस्ट्रैक्ट कर देना। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.5 कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगले वीडियो में एक वीडियो और बनेगा फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जिससे एक्सरसाइज 1.6 कल कम्प्लीट हो जाएगा। वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड लोग सारे को शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में घर पे रह के अच्छे तरह से नॉलेज प्राप्त कर सके। चलिए धन्यवाद।